मुझे हमेशा से था कि मैंने हायर एजुकेशन के लिए पाकिस्तान से बाहर जाना है, लंदन से पढ़ कर आना है एंड देन मुल्क को सर्व करना है। तो 2011 में आई स्टार्टेड सेलिंग ऑन अमेज़ॉन। तो आई डिसाइडेड कि अब दिस इज़ द राइट टाइम टू शेयर माई नॉलेज, और जिस तरह से मैंने इस एम्पायर को बिल्ड किए, इस तरह हाउ द पीपल ऑफ पाकिस्तान एक्चुअली कैन टेक हेल्प फ्राम, सो दैट पीपल कैन गो थ्रू दोज कोर्सेज एंड बेसिकली टू प्रोवाइड देयर ओन सर्विसेज। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि अभी आपसे बातचीत हो रही थी तो मुझे पता चला कि एक मतवसत घराने से आपका ताल्लुक था, तो फिर पाकिस्तान से लंदन तक का सफ़र कैसे किया? कोई स्कॉलरशिप मिली थी? सो बेसिकली व्हेन आई वाज स्टडिंग हियर, मैं अपनी मेरी जो ग्रोन अप था और जो मेरी तालीम थी वो पाकिस्तान से ही थी, लाहौर से इनिशली स्कूलिंग एंड कॉलेज। तो मुझे हमेशा से था कि मैंने हायर एजुकेशन के लिए पाकिस्तान से बाहर जाना है, लंदन से पढ़ कर आना है एंड देन मुल्क को सर्व करना है। तो ओबियसली आई कुडंट अफोर्ड इट, सो पैसे नहीं थे, कहीं से लिए, उधार लिए एंड ऑल दैट कि किस तरह से लंदन जाया जाए और वहाँ जाकर बेसिकली पढ़ कर वापस आया जाए। तो मतलब वहाँ का सफ़र जो था एक ऐसा सफ़र था जो कि एक लाइफ चेंजिंग सफ़र भी था, बट बहुत ही स्ट्रगल बेस्ड सफ़र था। और कह लें कि मैं यहाँ पर जब स्टडी करता था तो साथ साथ जॉब भी करता था, तो उसमें मुझे अभी भी याद है कि मेरी जो पहली सैलरी जब मुझे आई थी वो थी 2000 रुपये पाकिस्तानी, जो कि आप ऑलमोस्ट कह लें कि 12 पाउंड पर मंथ बेसिकली मुझे मिले। और आई वॉज़ सो हैप्पी दैट डे कि हाउ एक्चुअली ये 12 पाउंड मेरी पहली मेहनत की कमाई है। सो ऑब्वियसली आई वेंट टू इंग्लैंड एंड उसके बाद वहाँ से मास्टर्स किया और बाकी तालीम मुकम्मल के साथ साथ आई वॉज आल्सो वर्किंग देयर एज अ बेसिकली कह लें कि पार्ट टाइम जॉब्स, वर्किंग इन बर्गर शॉप्स और वर्किंग इन पिज़्ज़ा शॉप्स, डिलीवरी बॉयज और समथिंग बेसिकली जस्ट टू मैनेज माई एक्सपेंसेस ओवर देयर। तो मतलब वहाँ मैं साथ साथ एजुकेशन करता था और रात को जॉब करता था, या सुबह क्लास होती थी तो रात को करता था, रात को क्लास होती थी तो सुबह जॉब करता था, और दो दो तीन तीन जॉब्स की। तो बट ऑब्वियसली यही सोचता था कि क्या यही लाइफ है, क्या यही करना है सारी ज़िंदगी। तो वो साथ साथ मैं अपॉर्चुनिटीज देखता रहा, एक ऑब्वियसली माइंड में था कि मैंने अपना बिजनेस बनाना है, यानी एंटरप्रेन्योरशिप का ऑलरेडी माइंडसेट था कि एक ना एक दिन अपना काम मैंने शुरू करना है। तो फिर कैसे स्टार्ट किया? एग्जैक्टली, सो वो एक माइंड में जब था तो एम था, लेकिन जब मैं स्ट्रगल फेज से गुजर रहा था देन आई वॉज लुकिंग इन टू सेवरल ऑप्शन कि क्या किया जाए, किस तरह से अपना बिजनेस बनाया जाए। देन एक साथ नेबर था, वन ऑफ आर नेबर इन UK, एंड देन ही लेफ्ट हिज जॉब and I just came to know okay, why did you leave his job, because he had a quite big house, then I was told ke ji wo amazon pe kaam kar raha hai. To mujhe hua ki aakhir aisa kya hai isme jisme isne sab kuch chhod kar amazon pe selling shuru kar diya. To I started learning from him, I started understanding ki kis tarah se hota hai. I'm talking about like 2011 ki baat kar raha hu, aur se 9 saal pehle no ki when I started all of this. तो 2011 में आई स्टार्टेड सेलिंग ऑन अमेज़ॉन, और साथ साथ मैं अमेज़ॉन पे सेल करता था, पढ़ता था और साथ साथ जॉब्स भी करता था। तो मतलब वहाँ से सफ़र ये स्टार्ट हुआ, और उसके बाद से आई हैड सो मच फेलियर, वन ईयर कम्प्लीटली फेल था। सोचता था कि क्या स्टार्ट कर लिया, क्या हो रहा है, क्या नहीं, बट आई हैड अ पेशेंस। सो पेशेंस इज़ अ की टू सक्सेस। सो मैंने उस माइंड सेट को रखा कि नो मैटर वट आई हैव टू डू दिस, और उसके बाद से बेसिकली सम ऑफ आर प्रोडक्ट्स जो मैं सोर्स करता था, चाइना से सोर्स करता था, रात को सप्लायर से बैठ के बात करता था, और डिफरेंट स्ट्रेटजीज माइंड सेट अप्लाई किया, और उसके बाद द बिजनेस जस्ट कंटिन्यू टू ग्रो रैपिडली, बीन ग्रोइंग, एवरी वीक वॉज अ न्यू वीक फॉर मी। और आई स्टिल रिमेंबर दोज डेज व्हेन वी यूज्ड टू मेक इन वन डे $20,000 की सेल एक दिन में हुई, देन आई वाज लाइक व्हाट इज़ गोइंग ऑन एक्चुअली। तो उसके साथ फिर मैंने बाकी ये बर्गर शॉप्स और ये सारी जॉब्स को छोड़ा और जस्ट फोकस्ड ऑन दिस वर्क, और साथ साथ फिर बेसिकली मैं दूसरी जॉब्स भी करता रहा और बिजनेस भी साथ साथ चला रहा था एज अ पार्ट टाइम। तो आई वर्क देयर ऑलमोस्ट
2008 से 2018 तक तकरीबन मैंने 10 से 11 साल वहाँ जॉब भी की, और उस जॉब में आई वाज मोर ऑफ एन आईटी बैकग्राउंड के साथ, वाज वर्किंग इन अ बैंक एंड आई वाज मेकिंग क्वाइट अ गुड सैलरी एज वेल। तो अपने आप को वहाँ पे इस्टेब्लिश इस सूरत में कर लिया कि एक रनिंग बिजनेस था, एक बहुत अच्छी जॉब थी, बहुत अच्छा घर था, बहुत अच्छी गाड़ियाँ थी और हर चीज़ बेसिकली बहुत अच्छी थी इंग्लैंड। तो सर लाखों की तनख्वाह थी, सेटल्ड घर था, नौकरी थी, बिजनेस चल रहा था, सारा कुछ था, सब छोड़ छाड़ कर पाकिस्तान पे वापस आने का इरादा क्यों किया आपने? जी तो यही एक जब मैंने डिसाइड किया 2018 में कि दिस इज़ इट, अब मुझे पाकिस्तान वापस जाना है, मुझे मेरे घर वालों ने, मेरे फादर ने कहा कि वापस कभी ना आना, यहाँ पर लोग लूट लेंगे, मेरे फैमिली ने मुझे डिस्करेज किया आने से, वहाँ दोस्तों ने कहा कि पागलपन है, यू आर अ ब्रिटिश सिटीजन, व्हाई यू आर गोइंग बैक, लोग वहाँ आने के लिए तरसते हैं। बिल्कुल, यही सोच है कि लोग सक्सेस यही समझते हैं कि किसी फॉरेन कंट्री में जाके वो सेटल्ड हो जाएं, उनको अच्छी नौकरी मिले, आपका अच्छा भला बिजनेस वहाँ चल रहा था, तो फिर भी आपने पाकिस्तान आने का इरादा किया। तो ये बेसिकली मेरे एक माइंड में था कि नो मैटर व्हाट, जिस दिन मैं पहले दिन भी गया 15 साल पहले, मेरे माइंड में था कि मैंने पाकिस्तान जाना है, लेकिन आते आते मुझे 15 साल लग गए। तो आई डिसाइडेड कि अब दिस इज़ द राइट टाइम टू शेयर माय नॉलेज, और जिस तरह से मैंने इस एम्पायर को बिल्ड किए, इस तरह हाउ द पीपल ऑफ पाकिस्तान एक्चुअली कैन टेक हेल्प फ्रॉम, और उनको एक इस तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए कि लोग इस पूरी स्ट्रगल से और पूरी स्ट्रेटजी से सीख सकें, ताकि उनको ये मुश्किलें पेश ना आएँ और वो किसी ऐसी जगह पे ना जाते रहें जहाँ पर उनको एक प्रॉपर मेंटरशिप ना प्रोवाइड की जाए। तो बिल्कुल यही आइडिया था कि पाकिस्तान में जाकर अपने लोगों में रहकर उनको सर्व किया जाए, बिकॉज हैं तो हम पाकिस्तानी और हमेशा वहाँ बैठकर पाकिस्तान की याद ही रहती थी। तो और हेल्प करना पाकिस्तानियों को, इट्स आई डोंट थिंक सो, देयर इज नो मोर, नथिंग बेटर देन दिस एक्चुअली। पाकिस्तान अगर आपने इनेबलर्स की बुनियाद कब रखी और अब तक कितने लोगों को आप ट्रेन कर चुके हैं ई कॉमर्स के हवाले से? जी तो मैं पाकिस्तान 2 अगस्त 2018 को आया था 15 साल बाद, और उसके बाद मैंने एक 12 अगस्त को सेमिनार रखा था कि हाउ टू सेल ऑन अमेजोन फ्रॉम पाकिस्तान, सो लोगों को बताना शुरू किया, 50 लोग आए थे, आई स्टिल रिमेंबर एंड इट वाज लाइक हैप्पीएस्ट मोमेंट कि 50 लोग आ गए। एंड देन वी डिड मोर सेमिनार्स इन लाहौर एंड अदर सिटीज़, जिसमें 200-300-400 लोग आते रहे हमारे सेमिनार्स में। सो हमने उसको जब एनालाइज किया कि पीपल वर रियली मिसिंग दिस पार्ट, तो उसको हम किस तरह से मज़ीद ऑर्गेनाइज करें, स्केल अप करें, सो वी क्रिएटेड अ प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट पाकिस्तान के अंदर। अपने हमने पूरे नेटवर्क को इस तरह से फैलाया कि हमने 8 ऑफिस खोले, फिज़िकल 8 ऑफिस के, बिकॉज ऑनलाइन सब कुछ मिल तो जाता है, बिकॉज इफ़ यू सर्च ऑन हाउ टू सेल ऑन अमेज़ॉन, हाउ टू बिकम ई कॉमर्स, आपको 1,000,000 पेजेस मिल जाएंगे गूगल पे, बट एक्चुअली व्हेन यू स्पीक टू द पीपल फिजिकली इन फ्रंट ऑफ यू, जो कि आपको एक मेंटरशिप प्रोवाइड कर सकें, ऐसा नहीं था पाकिस्तान में। तो दिस इज़ थिंग विच वॉज लैकिंग, सो हमने उस पूरे नेटवर्क को 8 शहरों में फैलाया, और इस वक्त हमारे पास 38,000 लोग हमारे इनेबलर्स के ग्रुप में मौजूद हैं पाकिस्तान से, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जिसमें लोग स्किल्स की तलाश में हैं, कुछ इन्वेस्टर्स हैं, कुछ मेंटर्स हैं, कुछ ट्रेनर्स हैं, और कुछ ओबियसली इन स्ट्रगलिंग फेस में हैं, लर्निंग ऑल ऑफ इट फ्री इन दैट ग्रुप विच इज़ कॉल्ड अमेज़न सेलर्स इन पाकिस्तान। और इस वक्त हमने 1,000 सेलर्स पाकिस्तान से प्रोड्यूस किया है, जो कि इस वक्त पाकिस्तान से हमारे बूट कैंप के स्टूडेंट्स हैं जो कि सेल कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, और जो कि मेकिंग क्वाइट गुड हैंडसम मनी राइट नाउ, एवरेज इज़ 3 to 6 मिलियन की पर मंथ सेल होती है हमारे ओवरऑल स्टूडेंट्स की, क्लाइंट्स की, इन्वेस्टमेंट क्लब मेंबर्स आपने जनरेट किए। एग्जैक्टली, सो स्टूडेंट्स प्लस मैन्युफैक्चरर्स और प्लस क्लाइंट्स जो हम मैनेज करते हैं इन 8 शहरों में, हमारे जैसे गुजरांवाला ऑफिस में इनेबलर्स के 75 पीपल आर वर्किंग अंडर वन मेंटरशिप, तो इट जस्ट हैज़ ग्रोन रैपिडली, जिसमें हमने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की पाकिस्तान में आकर और बहुत सारे बिजनेसेस जनरेट किए। तो इसी मिशन के साथ पाकिस्तान आए थे, और वो अल्हम्दुलिल्लाह मिशन डे बाय डे इज़ गोइंग टू द डेस्टिनेशन। सो
माई एम वॉज क्या है, बिकॉज ऑलवेज जब भी हम किसी भी गवर्नमेंट से बात करते हैं देर इज़ ऑलवेज एन इशू कि जी एम्प्लॉयमेंट रेशो जो है बिल्कुल, मैं इसी तरफ आ रही थी कि आपने एक अपना विजन शेयर किया कि 2023 तक 20 लाख नौकरियां लोगों को दी जा सकती हैं, एक ऐसा मॉडल है जिसके ज़रिए ये सब हो सकता है। पाकिस्तानी नौजवानों का मसला ही नौकरी है, यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर निकलते हैं, नौकरियों की कमी है और नौकरियों की तलाश में ही मारे मारे फेर रहे होते हैं, तो ये आइडिया आप कैसे इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि 20 लाख नौकरियां, 2 मिलियन जॉब्स, इट्स अ बिग फिगर, इसको कैसे अचीव किया जा सकता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल नथिंग इज़ इम्पॉसिबल एंड व्हाट वी फील इज़ के आप आपके पास अगर राइट प्लेटफॉर्म मौजूद हो देन यू कैन अचीव इट। सो हमने इसको कैसे अचीव करेंगे, हमने एक नेबलिंग सीरीज़ के नाम से एक ऐसी ट्रेनिंग सीरीज़ जारी की है जिसमें 11 कोर्सेज़ कराए जाते हैं और उन 11 कोर्सेज़ में ऐसे कोर्सेज़ हैं जिससे हर कोर्स के बाद एक इंसान अगर उसको फॉलो करे वो बिजनेसमैन बन सकता है। और अगर हम कह रहे हैं कि अगर हम 2 लाख लोगों को भी बिजनेसमैन बना दें और एज एन एवरेज वो लोग 10 लोग भी हायर कर लें, बिकॉज ऑब्वियसली इन ऑर्डर टू रन अ बिजनेस यू नीड 10 पीपल, और 10 लोग भी हायर करें वो भी स्किल पीपल हु विल गेट ट्रेन फ्रॉम अस, दैट मीन्स 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 इज़ इक्वलेंट टू 2 मिलियन जॉब्स। और उस इनेबलिंग सीरीज़ में जो 11 कोर्सेज हैं, सम पीपल मे एंड अप हायरिंग एज आई सेड के 75 पीपल आर वर्किंग अगेंस्ट दैट वन ऑफिस, तो एक सेलर और एक बिजनेसमैन जो है वो बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है। सो हमारा विजन जो है वो ये है कि क्रिएट बिजनेसमैन एंड एज वेल एज स्किल फोर्स, जो वो बिजनेसमैन उस स्किल फोर्स को हायर भी कर सके। सो दिस इज़ अ मोर ऑफ कम्बिनेशन विच वी आर डूइंग, और उसी सिलसिले में हमने अब यूनाइटेड नेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। UN हैज़ अप्रोच्ड अस बिकॉज वी हैव डन सो कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, सो वी हैव बीन अप्रोच्ड बाय देम, और उसके बाद अब हम यूनाइटेड नेशन की स्पॉन्सरशिप के अगेंस्ट KPK की यूथ को ट्रेन कर रहे हैं और जो कि स्पॉन्सर्ड है पूरी यूनाइटेड नेशन की, और इसको ऑल अक्रॉस पाकिस्तान विल बी रोल्ड आउट सून इंशाल्लाह। उसके साथ साथ हम एक ऐसी फोर्सेस भी तैयार कर रहे हैं जो कि पैसिव इनकम बनाएं। फॉर एग्जांपल जैसे आपका क्वेश्चन था कि एज अ स्टूडेंट अगर हम देखें कि जी बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रही थी कि ये तो आपने बात कर दी उन ट्रेनर्स की जो आपको अप्रोच कर रहे हैं, अगर हम स्टूडेंट्स के एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो ये जो कॉन्सेप्ट है लोगों के जहनों में आ चुका है, अपने तौर पर एज अ माइक्रो एंटरप्रेन्योर लोग काम भी करें लेकिन उसको डिजिटलाइज किस तरह से करना है, वन मैन आर्मी किस तरह से बनना है, ये तो आपने बताया कि आपने अकेले ही सक्सेस को अचीव किया, तो अब वो जो बाकी लोग पढ़कर निकल रहे हैं वो अकेले किस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप को डिजिटलाइज करते हुए कमा सकते हैं? सो एग्जैक्टली दिस इज़ द मेन चैलेंज व्हेन आई सी कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें इस वक्त आप देखें कि जो हमारा कल्चर है कोर्सेज का, सिलेबस का, उसमें बताया जाता है कि आपने ये कोर्स करना है, फिर अकाउंटेंट कैसे बनना है या IT प्रोफेशनल या वेब डेवलपर कैसे बनना है या XYZ, बट कोई कोर्स ऐसा नहीं है कि आपने बिजनेसमैन कैसे बनना है या आपने ई-कॉमर्स बिजनेस को कैसे बिल्ड करना है एज योर ओन बिजनेस। तो उसके लिए हमने क्या किया है, अब हम मेनली पंजाब साइड पर इस वक्त एंड देन KPK सिंध देन एंड बलोचिस्तान, जिसमें हम लोग हर यूनिवर्सिटी में मेनली जो बिग यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें हर यूनिवर्सिटी में इनेबलर्स के इनक्यूबेशन सेंटर्स होंगे, और इनक्यूबेशन सेंटर्स में विच मीन्स के इनेबलर्स के ट्रेनिंग सेंटर होंगे इन दोज बिग यूनिवर्सिटीज़, जिसमें हम लोग एक स्किल फोर्स तैयार करेंगे कि उस स्किल फोर्स के बाद एक इंडिविजुअल पैसिव इनकम बना सकता है या फ्री लांसिंग की जॉब भी कर सकता है वाइल वर्किंग इन द यूनिवर्सिटी, तो उसको कहीं जॉब करने की ज़रूरत भी नहीं है। सो एक कल्चर क्रिएट किया जाएगा कि अपना बिजनेस भी साथ साथ वो कर रहा है वाइल ही स्टडिंग। तो इस कल्चर को प्रमोट करने के लिए वी आर वेरी क्लोज टू साइन फ्यू MOUs विद सम यूनिवर्सिटीज़, और जिसके बाद आर मेंटर्स विल बी बेस्ड ऑन दोज यूनिवर्सिटीज, बिकॉज सिंस वी आर राइट नाउ बेस्ड इन 8 सिटीज बट प्लान इज़ टू ग्रो टू लाइक ऑल मेजर सिटीज, जिसमें हर बड़ी यूनिवर्सिटी में नेबर्स का इंक्यूबेशन सेंटर हो और लोग जो हैं उससे ट्रेनिंग ले रहे हैं और साथ साथ अपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इनेबल कोर्सेज का भी आपने जिक्र किया, तो यकीनन उन कोर्सेज के बाद कोई सर्टिफिकेशन भी होती होगी, तो सर्टिफिकेट के बारे में मुझे बताइएगा, उसकी वैलिडिटी क्या होती है और कितने परसेंट ये चांसेस होते हैं किस कोर्सेज के बाद एक इंडिविजुअल
अपने आप को एज अ बिजनेस मैन ग्रो कर सकता है? सो इसमें हर इंसान का जो माइंड सेट है बिजनेस का वो इज़ अ डिफरेंट, बट वट वी डू इज़ इन आर मेंटरशिप एंड कोचिंग इज़ कि हम कहते हैं कि आप नहला भी हैं तो आप ये मत समझें अगर मेरे पास पैसे नहीं हैं. सो लर्न स्किल्स, पार्टिसिपेट इन द ग्रुप विच इज़ कॉल्ड अमेजन सेलर्स इन पाकिस्तान, और उसमें आकर आप बेसिकली अपने स्किल्स को शो करें टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स. रिसेंटली वन ऑफ द स्टूडेंट विच वी हैड इन आर बूट कैम्प, उसकी 19 साल की एज थी और वो सरगोधा से बिलोंग करता था, और he came to our law office and said ki I just want to learn all of it and mere parents jo hain nahi support kar sakte, kisi tarah main training fees ye lekar aaya hu to please mujhe training de. to usko humne training di, sikhaya ki kaise amazon ka business build kar sakte hain. but obviously to build a business you need an investment. but usne kya kiya ki usne system ko aisa learn kar liya, participate community mein kiya कि इन्वेस्टर्स को इतना अट्रैक्ट किया कि आज वो बंदा इस वक्त दुबई में एक बहुत बड़े सेलर के साथ एज अ पार्टनर काम कर रहा है, और उसके पास क्या था, सिर्फ स्किल्स. तो यही हम इनकरेज करते हैं कि एटलीस्ट लर्न द स्किल्स, डू नॉट जस्ट एक्चुअली लिमिट योर सेल्फ इफ़ यू डू नॉट हैव एन इन्वेस्टमेंट, बिकॉज इन्वेस्टमेंट बाद में आएगी व्हेन यू वुड से कि मेरे पास सब फर्स्ट स्टेप तो अचीव करें, देन द नेक्स्ट स्टेप एक्चुअली कम्स इन. तो दैट्स हाउ इट वर्क्स. पाकिस्तानी जो सेलर्स हैं उन्होंने अपनी चीज़ें यहाँ से, मैन्युफैक्चरर्स ने अपनी चीज़ें बेचना शुरू की, तो ये कैन एक्सपोर्ट हुई होगी, तो उससे ओवरऑल पाकिस्तान की मईशत को क्या फ़र्क पड़ा? सो अगर हम देखें कि जो अमेजोन की मार्केट है, दिस इज़ लाइक 56% ऑफ शेयर इन द ई कॉमर्स फील्ड, विच मीन्स कि हर $2 जो स्पेंड होता है उसमें से $1 अमेजोन पर स्पेंड होता है ऑनलाइन. तो दैट मीन्स कि ह्यूज पोटेंशियल इज़ देयर, बट व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ बिकॉज ऑफ दिस ऑल वर्क विच वी हैव प्रोड्यूस्ड, हम लोग को अप्रोच किया गया अमेज़ॉन की तरफ से, जिसमें हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी फराहम की गई कि अगर आप पाकिस्तान से कोई मैन्युफैक्चरर को इनक्रेज करते हैं अमेज़ॉन पे सेल करने के लिए, देन योर product and your account will be approved if you apply via manufacturing and affiliate link which we have received from Amazon. तो वो हम generate करते हैं उनके लिए, and then actually we can have the account for them. अब उसमें हम export कैसे increase कर सकते हैं, because the model is fulfilled by Amazon, जिसमें आप basically अपनी products Amazon को export करते हैं पाकिस्तान से या किसी भी country से, वो जाती है Amazon के warehouse में और वहाँ जाकर store होती है. और फिर जब अमेज़न की वेबसाइट जहाँ हर दो में से $1 जो है वो अमेज़न पे स्पेंड होता है, जब वहाँ परचेज़ होता है तो वो अमेज़न ही शिप करता है आपके बिहाफ पे, और वहाँ के जो फिर टोटल पैसे बनते हैं, देन एक्चुअली यू रिसीव. देयर आर मल्टीपल चैनल्स, इज अ कंप्लीट प्रोसेस एंड ट्रेनिंग्स विच ओबीसी वी टीच इन आर बूट कैम्प. सो इसमें हम एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ा सकते हैं, अगर हम देखें कि इस वक्त 70% ऑफ पीपल ऑन अमेज़न buy from Pakistan, source from Pakistan, export products. और वो textile products. So textile products इस वक्त 70% source की जाती हैं Amazon से. इस वक्त basically Pakistan से 70% of textile की products जो हैं वो export होती हैं और वो sale होती हैं international market में. और वो एक्सपोर्ट कौन कर रहा है, सेल कौन कर रहा है, जो कि बाहर लोग मौजूद हैं या कोई और लोग मौजूद हैं जो यहाँ से सोर्स करते हैं और अपना मार्जिन रख के सेल करते हैं. बट माई एम इज़ कि हम लोग इन मैन्युफैक्चरर्स को डायरेक्ट एक्सेस दी जाए कि ये लोग डायरेक्ट सेल कर सकें इतनी बड़ी इंटरनेशनल मार्केट में. हम देखते हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इस वक्त पर ईयर जो है वो है $25 बिलियन, और उस $25 बिलियन में से हमारी एक्सपोर्ट है $10 बिलियन टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स की, और उन $10 बिलियन अगर हम टेक्सटाइल में लोगों को सेल कर सकते हैं, सो इमेजिन इफ़ वी एक्चुअली वुड बी सेलिंग ऑनलाइन इन इंटरनेशनल मार्केट, जिसमें देर आर मेनी बिग सेलर्स आर ऑलरेडी सेलिंग ऑन अमेजोन फ्रॉम पाकिस्तान, बट एक्चुअली द एक्सपोजर इज़ नॉट देयर येट बिकॉज देर इज़ नो प्रॉपर सिस्टम हैज़ बीन प्लेस्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट के आप स्टेट बैंक से कैसे पैसे लाएंगे, किस तरह से अप्रोच करेंगे. सो एक प्रोसेस है जिसके सिलसिले में हम लोग गवर्नमेंट से भी बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से भी हमारी बात चल रही है कि किस तरह से इस प्रोसेस को ईज़ किया जाए, कि इस पूरी इकॉनमी को किस तरह से हम लोग बूम कर सकते हैं. रिसेंटली अमेज़न हैज़ डिसाइडेड टू के हम इंडिया से $10 बिलियन की एक्चुअली एक्सपोर्ट करेंगे इंडिया से. तो
तो वाई नॉट पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान के पास किस चीज़ की कमी है. तो यही सारी चीज़ों को लेकर इस एम और इस मिशन के साथ आई एम एक्चुअली हेयर इन पाकिस्तान एंड आई जस्ट डोंट स्लीप बेसिकली. आई वर्क 24/7 एंड ऑब्वियसली जब इंसान के जहन में कोई मिशन हो तो वो मिशन तब तक नहीं अचीव होगा जब तक वो बेसिकली उसको नहीं सुकून आएगा जब तक अचीव नहीं होगा. तो इसलिए हर वक्त बेसिकली वी आर इन टू दिस स्ट्रगल एंड सी कि हाउ वी कैन मेक आर ओन पीपल एम्पावर एंड एनेबल. अच्छा साकिब साहब, आप इस वक्त एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, तो आखिर में मैं आपसे सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगी कि सक्सेस को आप कैसे डिफाइन करते हैं, सक्सेस बेसिकली है क्या? सो इसमें सक्सेस जैसे हम बहुत सारे लोग देखते हैं कि जी कि मैं फेल हो गया, बट व्हाट आई फील इज़ कि फेलियर इज़ अ की टू सक्सेस. कि आप सक्सेस तब कहते हैं जब यू फील के यू हैव मेड सम कंट्रीब्यूशन टू अदर पीपल. आई डोंट सी कि मैं अगर सक्सेसफुल हूँ तो मैं सिर्फ अपने लिए सक्सेसफुल हूँ. व्हाट आई फील इज़ कि मैं तब सक्सेसफुल हूँगा जब मैं कंट्रीब्यूट करूँगा सोसाइटी में, जब पीपल विल बी सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ एनेबलर्स, बिकॉज ऑफ अस. सो दिस इज़ द मिशन विच वी आर वर्किंग टूवर्ड्स कि हाउ डू वी मेक अदर पीपल सक्सेसफुल, बिकॉज योर सक्सेस इज़ आर सक्सेस. दैट्स व्हाट वी फील. थैंक यू सो मच. जी तो नाज़रीन, साकिब अज़हर साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनकी बहुत सी मालूमाती बातें आपने सुनी. यहाँ मौजूद इनके ऑफिस में जो उनके ट्रेनर्स हैं और जो ट्रेनीज हैं उनसे ही बात करेंगे और उनसे भी उनके बारे में मज़ीद जानेंगे. भी जैसे कि एनेबलर्स का आपको पता है कि व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी आर डूइंग बेसिकली टू एनेबल द पीपल, दैट्स व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर कंपनी. और जस्ट टू टेल यू लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ दैट आई हैव बीन इन यूएस फॉर लाइक 15 इयर्स. सो मकसद यही था कि जब भी आप कहीं पे होते हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आप अपने लिए कर रहे हैं. तो यहाँ पे जो आने का मकसद यही होता है कि बेसिकली टू एनेबल अदर्स सो दैट वो जो काम कर रहे हैं तो जस्ट टू गेट आउट ऑफ देयर कम्फर्ट जोन. बेसिकली आप जॉब कर रहे हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं, लेकिन जब आप कोई बिजनेस कर रहे होते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ कर रहे होते हैं, यू आर बेसिकली एम्प्लॉइंग अदर्स. वो ये पॉइंट होता है ना कि जी आपकी वजह से, वैसे तो खैर अल्लाह रिस्क देने वाला है, लेकिन द पॉइंट इज़ के जब आप बिजनेस कर रहे हैं यू आर एम्प्लॉइंग डिफरेंट पीपल, राइट, नंबर ऑफ पीपल बेसिकली जस्ट बिकॉज ऑफ दैट. वैसे तो जो भी आप करेंगे इससे, जो आगे भी आप ट्रेनिंग देंगे, जो इस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बेसिकली जिस तरह हम कर रहे हैं एंड वी हैव बीन एक्सपेंडेड टू लाइक 8 different cities. सो ऑब्जेक्टिव यही है कि भी पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरी चीज़ को इनेबल इस तरह किया जाए कि जो फॉरेन इनकम भी पाकिस्तान में आए और काइंड ऑफ अ विन विन सिचुएशन बोथ एंड से. यानी कि ये नहीं है कि भाई हम कह रहे हैं कि भाई हम पाकिस्तान के लिए ही कर रहे हैं, मतलब अपने लिए भी कर रहे हैं. जाहिर बात है दोनों तरफ से एक विन विन है ना, हम भी अपनी एक चीज़ कर रहे हैं और लोगों को भी बता रहे हैं कि वो भी एक चीज़ करें. और हम इसमें हमने काफ़ी एक वो एनेबलिंग सीरीज़ भी लॉन्च की है जिसमें कि डिफरेंट कोर्सेज हैं सो दैट पीपल कैन go through those courses and basically to provide their own services or maybe they can establish their own business. So basically that's what the objective is. Main enablers mein as a student aaya tha, so I came as a student, joined Saqib Azhar's course to become an Amazon seller. Mujhe bilkul bhi Amazon ka andaaza nahi tha ki kya hai, kya opportunity hai. To thoda shuru mein confusion jo sabko hoti hai, that was there. लेकिन फिर मैंने कोर्स लिया और कोर्स ज्वाइन करने के बाद मैंने, अब आई एम अ मेंटर माई सेल्फ, आई एम द लीड ट्रेनर है और मैंने 500-600 सेलर्स मैंने खुद बनाए हैं जो हु आर माई स्टूडेंट्स, जो मेरे से पढ़ के और जाके दे आर सेलिंग. सो इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर दोज जो के पाकिस्तान में बैठ के दे वॉन्ट टू डू समथिंग ऑनलाइन. अगर आपको टर्मोइल इकॉनमी पाकिस्तानी भी होती है या कोई इश्यूज आते हैं तो यू हैव योर इनकम फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान एंड यू आर अर्निंग एंड यू आर मेकिंग मनी इन डॉलर्स. सो आई वुड लाइक टू आस्क एवरीबडी टू जॉइन समथिंग लाइक दिस कि जिसमें वो पाकिस्तान से बाहर से रेवेन्यू ला सकें. सो ब्रिंग इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन चीज़ें आप पैसे लेके आए पाकिस्तान के अंदर. जी तो आज हमने आपकी मुलाकात कराई साकिब अज़हर से जो कि एनेबलर्स के CEO हैं. एनेबलर्स एक ऐसी कंपनी है जो कि लोगों को ई कॉमर्स की ट्रेनिंग देती है और ऑनलाइन बिजनेस करने का तरीका सिखाती है. मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट.